क्या आप अपनी लूज कुर्ती को फिटिंग करवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं और वो बहुत ही भाव खाता है? आज नहीं, कल, अभी नहीं, बाद में, अभी टाइम नहीं है, एक घंटे के बाद आना। तो टेलर को छोड़ो और खुद ही कर लो बस 10 मिनट में। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उसका यूज करें, और नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हाथों से स्टिच कैसे करना है वो आपको बताऊंगी। कुर्ती को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले उसे नीचे बिछा ले। इसके ऊपर आपको जो अच्छी फिटिंग आती है उस कुर्ती को सीधा ही उसके ऊपर बिछा लीजिए, और जिस पे हमें फिटिंग करनी है उस कुर्ती को हम उल्टा करके नीचे बिछाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इस कुर्ती के ऊपर आपको मार्जिन कर लेना है। मार्जिन करने के बाद आपको ऊपर की कुर्ती हटा लेना है और जो हमने मार्क किया है वहां पर स्टिच कर लेना है। मैं इसकी स्लीव्स भी कम करना चाहती हूँ, बहुत लंबी है तो छोटी करना चाहती हूँ, मुझे लॉन्ग स्लीव्स नहीं चाहिए। तो इसके शोल्डर के पास से आपको नाप लेना है, आप जितने भी लेंथ रखना चाहते हैं इसकी उतना यहाँ पर मार्जिन कर लीजिए। मैं चाहती हूँ 10 इंचेस की स्लीव्स, तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंचेस पर मार्क किया है। और अब मैं यहाँ पर एक और मार्क कर लूंगी और यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब ये जो हमने मार्जिन किया था वहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है, और एक एक्स्ट्रा स्टिच मैंने साइड में 1/2 इंचेस पर भी कर ली है। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है, लेकिन हमें कम से कम यहाँ पर 1 इंचेस की या फिर 1.5 इंचेस की जगह ज़रूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें ज़रूरत लगे तो हम इसे लूज कर सकते हैं। और स्लीव्स को भी हमने फोल्ड करके छोटा बना लिया है। आपके कोई भी टाइट कुर्ती को लूज करने का तरीका, आप कहेंगे ये तो आसान है, सबको पता होता है, लेकिन सबको पता नहीं होता, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके कुर्ती को इस तरह से बिछा लीजिए, और आपके जो पुरानी फिटिंग है जो आपको टाइट हो रही है, ये देखिए ये स्टिच है पूरा, उसके पास आपको जितना भी लूज करना है, मुझे ये 1/2 इंचेस लूज करना है, तो मैंने इसे 1/2 इंचेस साइड में एक मार्क कर लिया है। आप भी इस तरह से कर लीजिए, दोनों साइड करना है ये। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा लूज करना है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर जब भी आप फिटिंग करवाते हैं तो अंदर का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसे मत कटवाइए, ये आपको कभी भी काम लग सकता है। मैं जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट नहीं करवाती, क्योंकि मैं ज़्यादा कुर्ती नहीं पहनती, उसके बाद किसी को दूंगी तो मेरी जो कमर है वो बहुत ही कम है, 28 है, तो और किसी को आएगी नहीं, इसलिए मैं इसे कभी नहीं कट करती हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो हमने मार्क किया है वहाँ पर, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो उससे आप स्टिच कर ले, नहीं तो आप हाथों से भी डबल स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी पुरानी सिलाई है उसे निकाल देना है। अब यहाँ से हमने सिलाई निकाल दी है और यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है, तो अब आप इसे आराम से पहन सकते हैं। अगर आप डीप नेक नहीं पहनते हैं और गले को छोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कुर्ती या फिर जो भी फैब्रिक है उसे इस तरह से सीधा रख लें, और यहाँ पर आप कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड को इस तरह से सेट कर लें। अब आप इसका कोई भी मैचिंग फैब्रिक ले लीजिए, मुझे इसके स्लीव्स नहीं चाहिए तो मैंने इसके स्लीव्स को लिया है, और यहाँ पर इस तरह से सेट कर लीजिए। आप जितना भी कम करना चाहते हैं गले को इतना इसे ऊपर सेट करें। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो उसे आप यहाँ पर लगाकर इसे सिक्योर कर लें, नहीं तो फिर नीडल और थ्रेड की मदद ले लीजिए। अब कार्डबोर्ड को निकाल दीजिए, और आपके पास सिलाई मशीन है तो उसकी मदद से यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आप हाथों से भी अच्छी सिलाई कर सकते हैं।
अब हमने एक्स्ट्रा जो स्टिचिंग की थी वो आप निकाल लीजिए और इसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे आप यहाँ से कट कर लीजिए उल्टा करके। अगर आप किसी भी फैब्रिक की लेंथ कम करना चाहते हैं, गाउन हो, मैक्सी हो या नाइटी हो, वन पीस हो, कुर्ती हो, कुछ भी, तो पहले उसे इस तरह से नीचे बिछा लीजिए। अब आपको जो भी लेंथ में परफेक्ट है ऐसी कुर्ती या गाउन ले लीजिए और उसे इसके ऊपर रख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर मार्क कर लीजिए। अगर आप मेजर टेप से मार्जिंग करते हैं तो ऊपर शोल्डर के पास से मेजर टेप को रख लीजिए और आपको जितनी भी लेंथ चाहिए वहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब ये जो हमने निशान लगाया है उसे आप अगर आप इसे कट कर लेना चाहते हैं तो निशान से 1 इंच नीचे हमें मार्क कर लेना है क्योंकि फोल्ड के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। और अगर आप इसे कट करना नहीं चाहते हैं, इसे फोल्ड करना चाहते हैं, तो आप सेकंड साइड भी यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट मार्जिंग है वहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पर इसे मार्क कर लीजिए। के बाद अगर आप कट करना चाहते हैं तो ये जो हमारा सेकंड मार्जिंग है वहां से आप इसे कट कर लीजिए। तो कट करने के बाद भी इसे इस तरह से छोटा फोल्ड कर लीजिए और यहां ऊपर स्टिच कर लीजिए। मैं इसे कट नहीं कर रही हूं, कोई कोई फैब्रिक कभी कभी धुलने के बाद छोटा पड़ जाता है तो मैं इसे फोल्ड कर लूंगी। अब जो हमने ये मार्जिंग लगाया है मैं यहाँ से इसे डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ ऊपर स्टिच कर लूंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और नेक्स्ट आप क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो बनाऊँ, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।